music go. सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आप देख रहे KTen Gaming। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 0.12 के अपडेट के बारे में। तो यार गाइस अपडेट आ चुका है, पर गाइस इंस्टाग्राम पे PUBG ने कुछ मतलब लीक्स किए थे, मतलब सारे के सारे बता दिया था अपडेट से पहले। तो मैं वो पूरा पढ़ के इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। मतलब मैंने वो वीडियो बना चुका हूं, पर ये जो क्लिप है उसमें सिर्फ ऐड कर रहा है। मैंने उसमें एक बात मेंशन नहीं की, यहां पर इन्वेंटरी में अगर आप जाते हो यहां पर आपको कंपेनियंस का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस यहां पर आपको ये फीचर फ्यूचर में आने वाला है। तो अगर आपको ये इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो। तो गाइस वो मतलब एज अ पेट आने वाला है, पेट एनिमल एज अ ईगल आपके साथ आने वाला है गाइस, ठीक है। तो यार चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइस ये रहा वो पेज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं पबजी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर जो पैच नोट्स दिए 0.12.0 के अपडेट के बारे में, तो यार चलो वो अपडेट के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है मैंने स्क्रीनशॉट्स लेकर रखे हैं। तो यहाँ पर न्यू फीचर्स इवो जोन आया, ठीक है। तो ये इवेंट मोड जो उसको रिप्लेस करता है, सर्वाइव टिल डाउन इज़ अंडर दिस मोड, मतलब जो इवो जोन का जो मोड है वो उसके अंडर है, ठीक है। तो मोर न्यू मोड्स विल बी एडेड इन द फ्यूचर। तो गाइस जो भी नए नए मोड्स रहेंगे या फिर आप कह सकते हैं कि कौन सा भी मोड, वो शायद से इस अपडेट में या फिर फ्यूचर के किसी अपडेट में आ सकता है। तो ईवो जोन का जो मोड है उसमें डार्केस्ट नाइट है। तो जो डार्केस्ट नाइट है, मतलब जहाँ पर शायद से वीकेंडे मैप की जो नाइट रहती है शायद से वो वैसा रहने वाला है। तो स्टे अलाइव फॉर वन नाइट वाइल फाइटिंग ज़ॉम्बीज, तो ठीक है वही है सर्वाइव टिल डॉन, ऑल टीम्स दैट आर स्टिल अलाइव एट डॉन विल विन। मतलब शायद मुझे तो ये नहीं समझ रहा, मतलब वर्डिंग समझ गए पर मेरे को ये नहीं समझ रहा कि अगर समझो दो तीन स्क्वाड्स है, अगर वो सर्वाइव टिल डाउन हो गए तो क्या वो जीतेंगे या फिर एक ही स्क्वाड, शायद से एक ही स्क्वाड जीतेगी, ठीक है। तो चेंजेस टू सर्वाइव टिल डाउन, तो अभी जो भी चेंजेस है वो पूरे सर्वाइव टिल डाउन के, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टन ग्रेनेड्स, मतलब अभी जैसे कि स्टन ग्रेनेड रहता है वो अब जॉम्बीज के लिए भी है, जिसका नाम स्टन जॉम्बीज है। उसके बाद जो है एडेड लिक्विड नाइट्रोजन ग्रेनेड्स टू फ्रीज एनिमीज एंड रिड्यूस देयर मूवमेंट। अच्छा, तो मतलब जो जॉम्बीज मोड में जो खेलेंगे जो एनिमीज या फिर जॉम्बीज, तो आप दोनों पे ये अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा पता है, वो जो है उनकी मूवमेंट स्पीड कम हो जाएगी, फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो एडेड जंपिंग जॉम्बीज एंड जॉम्बीज डॉग, सम जॉम्बीज कैन नाउ क्लाइंब ओवर लो वॉल्स और ऑन टू रूफ्स। तो यहाँ पर जो है जॉम्बीज जम्प भी कर सकते हैं और जॉम्बी डॉग्स भी आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जॉम्बीज के साथ डॉग्स भी है, और ठीक है जॉम्बीज जंप करते ये दिक्कत वाली बात है। एडेड RPG 7 एंड जंगल स्टैंड मैगजीन्स, ठीक है। मैगजीन्स मतलब एक्सटेंडेड या फिर क्विक ड्रॉ मैग, तो वैसे जो है जंगल स्टैंड में आने वाली मैगजीन्स। तो RPG 7, तो पता नहीं क्या ये फ्लेम थ्रोवर्स नाउ डील मोर डैमेज। तो यहाँ पर जो है जो फ्लेम थ्रोवर्स आते हैं ना वो अब थोड़ा ज़्यादा डैमेज देंगे। अब बाद में बात करते हैं हैंडलिंग हैज़ बीन ट्यून्ड, ठीक है। तो ये जो है मतलब ये जो नई गन थी ना वो वाली M134 वाली, तो वो अभी उसके हैंडलिंग जो है मतलब उससे एकदम स्लो चलते थे ना, तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी। प्लेयर विल गेन अफिक्सेस दैट ग्रैंड सर्टेन बब्स, तो वही है जो स्पीड बढ़ जाएगी। जोम्बीज नाउ मूव स्लोअर आफ्टर बीइंग हिट बाय फायर आर्म्स, तो ये अच्छी बात है कि जो जोम्बीज एकदम फास्ट मूव करते थे वो भी थोड़ा स्लो मूव करेंगे जब आप उनको फायर करेंगे। तब एडेड सर्वाइव टू डॉन क्विक चैट, ओके ठीक है। तो जैसे कि हमारी क्विक चैट्स रहती है ना, एनिमीज अहेड, फिर बाद में आई गॉट सप्लाईज, तो उस तरह से जो है यहाँ पर भी क्विक चैट इनेबल कर दिया गया है जॉम्बी मोड के लिए। तो डेली मिशंस कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, ओके। तो जो RP मिशन है वो अब जो जॉम्बी मोड के लिए उसके लिए भी रहेंगे। तो यार गाइस यहाँ पर जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो यार गाइस आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी क्रू में क्लैन में या फिर जितने भी है, वो दिखाते हैं ना इन मैच फॉर 10 मिनट्स, इन मैच फॉर 12 मिनट्स, आप उनको एक्चुअली में स्पेक्टेट कर सकते हो गाइस। तो एक बढ़िया फीचर है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मैचेस मतलब
जो मतलब आप मैचेस मतलब जो फ्रेंड्स कैसे खेल रहे हैं आप उस पर ट्रेड कर सकते हो अगर आप उनके टीम में नहीं हो फिर भी। तो यहाँ पर जो स्कोप का क्रॉस हेयर आता है मतलब विदाउट ओपनिंग स्कोप या फिर आयन साइट अपन मारते हैं ना, तो वहाँ पर जो क्रॉस हेयर है उसके कलर्स चार थे, वाइट, ग्रीन, ब्लू और रेड कुछ तो भी, तो ज़्यादा कलर्स अपडेट हो गए। तो पोर्टेबल जो क्लोजेट्स है जो कि एक आरपी से खरीदा जाता है, एक यूसी से, एक अपने पास ही रहता है और एक कॉइन से, तो आप इन मैच भी उसे चेंज कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर जो है स्प्रिंग थीम अवेलेबल है और आप अगर यहाँ पर ट्रेजर में करते हो लकी ड्रॉ तो एक मतलब यूनिक रिवॉर्ड गारंटेड है। डासिया की सकुरा स्किन है और जो पिंक रोज सेट भी गारंटेड है जब आप 10 ड्रॉ करते हो। तो अब जिनकी 400 से ज़्यादा सिनेग्री है उनके लिए एक नया ऑप्शन है स्पेसेस का जो पबजी ने इनेबल कर लिया है। तो प्लेयर्स मतलब अभी आपको जो भी शॉप में अच्छी चीज़ें लगती है तो आप उसके लिए नोटिफाइड रह सकते हो। अगर आपको चीज़ पसंद आती है जब वो सेल में तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो न्यू अचीवमेंट्स बेस कंपेनियन सुपरस्टार विनिंग कल्चर मतलब नए अचीवमेंट्स है, ठीक है, एवेंचर अनटिल डॉन एंड स्टेप टू फार, तो जो आते हैं ना तो नए अचीवमेंट्स आ चुके हैं। तो अदर इम्प्रूवमेंट्स, तो यहाँ पर जो अदर इम्प्रूवमेंट्स है यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग मतलब डोर की ऑटोमेटिक ओपनिंग, डायनेमिक वेदर यहाँ पर आज मतलब है पर उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की गई है। तो अभी डाइनो पार्क, कोल माइंस और गोरो का वीकेंडी मैप के जो तीन जगह है वहाँ पर ज़्यादा बिल्डिंग्स भी आ चुके हैं। तो यार गाइस यहाँ पर जो हमारा लास्ट पेज है और जो इन्फॉर्मेशन वो है कि क्रू चैलेंजेस को की जो मतलब सॉरी क्रू चैलेंजेस के जो क्वालिफाइंग राउंड्स है वो अब थोड़े से ड्यूरेशन के रहते थे तो अभी थोड़ी इंक्रीज कर दी गई है मतलब ड्यूरेशन, और जो टॉप 10 टीम्स हैं उन्हें यूनिक आउटफिट्स गारंटीड मिलेंगे। तो जो इम्यूलेटर डिटेक्शन है मतलब गाइस इसमें पबजी मोबाइल ने पहली बार ये इतनी बढ़िया चीज़ की है कि बहुत ही बढ़िया कि जो इम्यूलेटर प्लेयर्स हैं वो कभी भी मैच मेकिंग के वक्त मोबाइल प्लेयर्स के साथ नहीं आएंगे, मतलब मोबाइल प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, एम्युलेटर प्लेयर्स के साथ। अब यहाँ पर फ्रेंड इनविटेशंस नाउ शो मैप एंड लैग इन्फॉर्मेशन, मतलब अभी देखो फ्रेंड आपको कभी कभी इनवाइट करते हैं तो आपको जब आप इनवाइट करते हैं आप एक्सेप्ट करने के बाद देखते हैं कि उन्होंने कौन सा मैप सिलेक्ट किया है और तब तक वो मैच स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब फ्रेंड आपको इनवाइट करेगा तो इनविटेशन के वक्त ही आपको दिख जाएगा कि फ्रेंड का जो मोबाइल है वो लैगिंग मतलब कितना लैग परसेंट है फ्रेंड का, मतलब फ्रेंड कितना लैग करता है और कौन सा मैप फ्रेंड खेल रहा है आपका, ठीक है, ये बढ़िया के। और क्विक चैट मैसेजेस आर नाउ एडिट, मतलब अभी देखो आपको पहले सेटिंग्स में करना पड़ता था एडिट जो क्विक चैट था, अभी इन्वेंट्री में आप उसको एडिट कर सकते हो। अब ये जो है ना क्विक चैट तो अभी आपको ना नीचे स्वाइप करना पड़ता था पर अभी वो सर्कुलर आएगा क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए नीचे स्वाइप करने की, पूरा सर्कुलर आएगा तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर जो शेडो इफेक्ट्स, अभी शेडो इफेक्ट्स है ना डिसेबल कर सकते हो, मतलब देखो अभी बिल्डिंग्स की शेडो आती है, आपके खुद के कैरेक्टर की शेडो आती है, तो अगर आपकी हीट ज़्यादा हो रहा है मोबाइल बैटरी यूसेज ज़्यादा हो रही है तो आप इसको बंद कर सकते हो। एडेड रिमाइंडर, अब देखो इन्वेंट्री में है ना ज़्यादातर आइटम्स हो जाते हैं तो यहाँ पर इन्वेंट्री में अगर आपके पास कोई ज़्यादा आइटम्स हो जाते हैं तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगा कि आपको आप ये आइटम डिसमेंटल कर सकते हो। गाइज आपको रिमाइंडर मिलेगा डिसमेंटल करने के लिए, प्रीव्यूज़ आर नाउ अवेलेबल इन सम पेजेस। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मतलब प्रीव्यूज़ मतलब जो है ना टैप द रिवॉर्ड आइकन टू प्रीव्यू आउटफिट्स, मतलब आपको रिवॉर्ड आइकन को दबा के आउटफिट्स को प्रीव्यू करना है। अब गैलरी नाउ ओनली शो आइटम्स करेंटली इन स्टॉक, मतलब अभी देखो अभी जो गैलरी होती है ना होम पेज अपना लॉबी तो वहाँ पर सिर्फ जो शॉप में अवेलेबल आइटम्स है वही दिखाएगा, ठीक है। तो क्लोथ बंधना जो लियोपार्ड का जो ये होता है ना मास्क सॉरी स्कार्फ मिलता था फर्स्ट परचेस पे तो अभी बंद कर दिया गया है और पबजी वाले उसको अपडेट कर देंगे कि उसके जगह पर क्या आने वाला है। तो अभी उसके बाद मिथिक आउटफिट इमोट्स कैन, मतलब अभी जो मिथिक आउटफिट्स है जो आरपी में मिलते हैं वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को उसका आवाज़ सुनाई देगा। तो एडेड हैप्टिक फीडबैक टू सम बटन्स, तो जो आपको मतलब फीडबैक दे सकते हो अलग अलग चीज़ों के लिए, ऐसा नहीं कि एक के साथ सारी चीज़ों के, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फीडबैक के बटन्स। अभी एडेड एनिमेशन फॉर ड्रॉप, अच्छा तो जब आप गन रिलोड करते हो या फिर जो मैग होता है ना वो चेंज करते हो ना एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ तो उसके लिए एक एनिमेशन मतलब ड्रॉप करते हो ना मैग वगैरह तो एक्सटेंडेड आफ्टर क्विक ड्रॉ उसका इसको उसके लिए भी एनिमेशन बनाया। अब देखो आप जब प्रोन होते हो प्रोन, ठीक है, तो जब आप
प्रोन होते हुए ग्रेनेड्स फेंकते हो तो उसके लिए भी एक एनिमेशन कर दिया गया है। डोर्स ओपन और क्लोज करने के लिए भी एनिमेशन कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है एक बग फिक्स किया, शायद हेयर डिस्प्ले नहीं होता था व्हेन इक्विपिंग सर्टेन हेडगियर, पता नहीं ये फिक्स मेरे इसमें तो नहीं हुआ देन फिक्स्ड बग। हाँ तो सीजन 6 के जो पैंट्स मिलते हैं ना प्लेटिनम वगैरह के, तो वो रेंडर नहीं होते शायद ना, वो डिस्प्ले नहीं होते प्रॉपरली, जो ग्राफिकल ग्लिच होती है वो फिक्स कर दी गई है। फिक्स्ड बग वेयर डोर्स, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब जहाँ पर जो दरवाजे डिस्प्ले नहीं होते थे वो भी बग फिक्स कर दिया गया है। और एक और बग वेयर प्लेयर्स में गेट, हाँ तो कभी कभी प्लेयर्स ना बिल्डिंग में थोड़े थोड़े एरियाज में ना फंस जाते थे ना, तो वो भी फिक्स कर दिया गया है। तो यार ये थी फुल इन्फॉर्मेशन अपडेट की। तो यार गाइज अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।